आज हमने जंग करवा दी है उत्तर प्रदेश और बंगाल के बीच में, क्योंकि हम दोनों शहरों की तीन तीन स्पेशल डिशेस लेकर आ गए हैं। तो चलिए भाई देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का खाना आज बाजी मारता है या बंगाल का खाना आज बाजी मारता है। भाई उत्तर प्रदेश और दोनों शहर में ना एक चीज कॉमन है, कि दोनों ही शहर के लोग हमारे पेज को फॉलो करते हैं। एक भिड़ंत तो हम वीडियो में करवा रहे हैं, एक भिड़ंत कराते हैं कमेंट सेक्शन में। आप बताइए कि भाई उत्तर प्रदेश जीतना चाहिए या बंगाल। उत्तर प्रदेश से हमारे पास आई है आज मैदान में उतरी है लखनवी बिरयानी। ओ हो। दूसरी चीज उतरी है उत्तर प्रदेश की चाट। ओ हो। तीसरी चीज उतरी है उत्तर प्रदेश की बालू चाय। और चौथी चीज उत्तर प्रदेश की तरफ से उतरी है बनारसी पान। तो बंगाल का पहला आइटम है बंगाली फुचका। यह है बंगाली फुचका। दूसरी चीज उतरी है बंगाल की फेवरेट माछरजोल। और तीसरी चीज उतरी है बंगाल का रसगुल्ला। रसगुल्ला से मेरे को बबीता जी याद आ जाती है। जेठालाल गलत नहीं थे जो बबीता जी के मतलब बबीता जी यार घर की दया का तो भूल जाते थे। अच्छा घर की दया यहाँ बैठी है कैमरा के पीछे। शाहीशुदा मर्द फ्रेंड्स भी नहीं बना सकता। चीजों का टेस्ट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे जायका बिरयानी का। बे भाई स्टार्टर से स्टार्ट करना है यार। बिरयानी स्टार्टर मेन कोर्स सबका काम करती है। चलिए उत्तर प्रदेश की सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं चाट। ये देखो पापड़ी चाट है जिसके अंदर आपको आलू दिखेंगे, सेब दिखेंगे, मट्ठी दिखेगी और हमें ये दही मिली है साथ में जिसको हम इसके ऊपर डालेंगे। ये है हरी चटनी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की चाट में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। तो हम पूरा मौका देंगे इसको जीतने का। वैसे मेरे को लगता है कि ना ये आइडिया ना हमें शहरों में जाके करना चाहिए, उत्तर प्रदेश जाके खाए फिर बंगाल जाके खाए। तो आप वीडियो लाइक करिए ताकि बजट बढ़े फिर हम जा पाए। और मेरे को लगता है आपको और लाइक करना चाहिए ताकि हम यूएस भी जा पाए। यूएस का खाना दिखाएंगे ना आपको। आपके लिए कह रहा हूँ, मेरा कोई पर्सनल गेम नहीं है। चलो अब ट्राई करते हैं उत्तर प्रदेश की चाट। पापड़ी का बेहतरीन स्वाद, दही का बढ़िया फ्लेवर, फ्रेश और लाल चटनी हरी चटनी, मतलब कॉम्बिनेशन में ये चीज मेरे ख्याल से है तो परफेक्ट। लेकिन अभी कोलकाता का पुचका भी टेस्ट करना है। चलिए ये है हमारा कोलकाता का दावेदार और इसका नाम है पुचका। ये कोलकाता में बहुत पॉपुलर है, कोलकाता में लोग दीवाने हैं। कोलकाता में फेमस सबसे फेमस पुचका कौन बेचता है मेरे को जरा प्लीज बताइएगा जरूर, क्योंकि अभी हम आने वाले हैं अगले महीने तब हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे कोलकाता। वैसे आप कोलकाता की और जगहें भी बता सकते हो जहां हमें जाना चाहिए नेक्स्ट मंथ जब हम कोलकाता विजिट करेंगे। यार कोलकाता इज लव यार। ओ दादा बंगाल हमारा ना बहुत ही दिल का करीबी 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 सौदा से बंगाल आमी को बहुत बहुत बालोवासी लावे। रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल से हैं, ममता दीदी बंगाल से हैं, इसी एजुकेटेड होते हैं बंगाली। इसीलिए दादा हमको भी बंगाल बहुत पसंद है। ओ दादा ये हमने तैयार कर लिया बंगाली पुचका और इसको हम मुकाबला करा रहे हैं यूपी की चाट से। चलिए टेस्ट करते हैं। ओ बॉस यूपी के खाने में जायका है, दही का, लाल सौंठ चटनी का और हरी चटनी का, लेकिन पुचका के पास ये जो पानी है ना ये मतलब सबको वेल कर देगा भाई। इसका टेस्ट एवर ग्रीन और रिफ्रेशिंग, मतलब इसका मेरे ख्याल से टक्कर नहीं है। इस राउंड में तो बंगाल जीतता है। बढ़ते हैं अगले राउंड की तरफ। उत्तर प्रदेश की बिरयानी, ये है लखनवी बिरयानी। वैसे हैदराबाद भी उत्तर प्रदेश में है। नहीं अलग अलग अलग। ए दादा हमने खोल ली है यूपी की उत्तर प्रदेश की माने बिरयानी। ए गोल घंटा चम्मच देना। उत्तर प्रदेश की बिरयानी मतलब लखनऊ की बिरयानी का भी भाई जायका मतलब टक्कर का तो है हमारे बंगाल के माछ भात से। लेकिन जीतता है कि नहीं इसी राउंड में पता लगेगा। दादा भाई हमारी वीडियो जो देखता है ना उनको तो पता है हमें भाभी एंड बिरयानी लवर। बिरयानी लवर तुमने क्या सुना? आई एम बिरयानी लवर। इतनी पसंद है मेरे को बिरयानी कि भाई मैं बिरयानी के सामने ना मुश्किल ही किसी को जिताता हूँ, मुश्किल सही। लेकिन अभी कोलकाता को एक और चांस देते हैं। माछर झोल मतलब माछ भात, माछ भात मतलब चावल और मच्छी, और ये मछली होती है रोहू, रूहू, रेहू, राही, रेहू। तुमसे ना हो पाए। अब इसको ट्राई करते हैं हम लेंगे। ये पता है मेरे को हमेशा कड़ी जैसी लगती है। हम लेंगे विद मछली मॉच। भाई ये डिश तो फैंटास्टिक है। अगर मुझे बिरयानी से इतना प्यार ना होता ना तो फिर तो ये जरूर जीत जाती है। बिरयानी की जो स्पाइसेस होते हैं ना उसको कंबाइन करते हैं जो फ्लेवर्स जो अरोमा होता उसका है उसका मुकाबला ये मेरे ख्याल से नहीं कर सकती। तो इस राउंड में पॉइंट तो भाई उत्तर प्रदेश को जाता है, लेकिन आखिरी राउंड में फैसला होगा तो बने रहना। चलिए भाई लास्ट राउंड में बारी है उत्तर प्रदेश के बालू शाही की और कोलकाता के रसगुल्ला की। वैसे इस बारी मुकाबला टक्कर का है। ये बिल्कुल अलग तरीके की डेजर्ट है और वो बिल्कुल स्पॉन्जी स्पॉन्जी अलग तरीके की डेजर्ट है। ट्राई करता हूं।
वो नाइस। जिस भी चीज से बनता है ना वो चीज तो गजब है, टेस्ट बहुत बढ़िया। सिर्फ एक चीज मेरे को थोड़ा परेशान कर रही है कि थोड़ा सा मेरे को ये ऑयली ज्यादा फील हो रही है, कहीं ना कहीं ये हर चीज में थोड़ा एक्सेस लग रहा है, मीठा भी थोड़ा ज्यादा, फ्राइड भी, मतलब एवरेज डेजर्ट मैं इसको बोलना चाहूंगा। एवरेज से ऊपर निकली तभी कोलकाता इस राउंड में जीत पाएगा। रसगुल्ला ट्राई करते हैं। आवाज ये हजार महीने में मतलब कोसों बेहतर है अपने यूपी के बालूशाही से। यूपी वाले ऑफेंड मत होना भाई, उत्तर प्रदेश के पेठे हैं, उत्तर प्रदेश की बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये राहुल कुमार उत्तर प्रदेश से बहुत जायके हैं, कुछ और मंगा सकता था, ये क्यों मंगाया? चांस देना एक और, यह है बनारसी पान। राहुल चाहता है कि उत्तर प्रदेश इतनी आसानी से हारे नहीं, उसका होम टाउन है, इस चक्कर में वो चाहता है कि एक मौका तो और बनता है। भाई ये है ना चीज गजब, बनारसी पान खाई के पान बनारस वाला हमने इस वीडियो में फिर भी कोलकाता को जिता डाला। भाई कुछ भी बोलो, कोलकाता के फ्लेवर, कोलकाता की वैरायटी, कोलकाता की वर्सटैलिटी, मतलब इस वीडियो में हमें खाना काफी पसंद आया और थोड़े बहुत पॉइंट्स से कोलकाता आज उत्तर प्रदेश से बाजी मार गया। बाकी अपने पॉइंट्स आप कमेंट सेक्शन में जाहिर कर सकते हो और उत्तर प्रदेश के किन आइटम्स को आप सोचते हो कि वो सामने होते तो पक्का जीत जाते, वो भी बताना। मिलेंगे अगली वीडियो में, टेक केयर गाइस, बाय बाय।